भाई साहब, खुद को किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग तो गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा के ले जाते हैं। सुंदर कहानी। एक आदमी को अमेरिका के प्रिजन हाउस के अंदर मौत की सजा सुनाई गई और उसको बताया कि इस मौत की सजा में तुम्हें एनाकोंडा, एक डेंजरस सांप, उससे डसवाया जाएगा। पहले फांसी थी, फांसी का उन्होंने प्लान चेंज किया, बोला सांप से डसवा के इसको इस बार मौत की सजा देनी है। चेहरे पे उसके कपड़े से उसको कवर कर दिया गया। सांप देखा उसने एनाकोंडा उसकी तरफ आ रहा है, उसके बाद जब कपड़ा पहनाया और सांप जब उसको डसने के लिए आने वाला था, तभी वहां प्रिजन हाउस ने प्लान चेंज किया और दो सुइयां उसके हाथ में जोर से चुभा दी। जैसे ही दो सुइयां जोर से चुभाई, वो आदमी हिला। अभी उसने देखा कुछ नहीं, और जोर से हिला और अचानक गिर गया। 1.5 मिनट के अंदर उस आदमी की मौत हो गई। बाद में जब जाके चेक किया अस्पताल के अंदर कि इसकी मौत क्यों हुई, तो पता चला कि वो उस दर्द के कारण नहीं मरा जो सांप देने वाला था। उस दर्द का जो विचार था, उस विचार से जो जहर पैदा हुआ, वो सांप के जहर से ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसकी निश्चित मौत हो गई। यानी कि परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद करती है। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो, एक बार जो फैसला कर लिया तो पलट के मत देखना, क्योंकि पलट पलट के देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। धन्यवाद।